बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि वीड आउट द सॉल्विंग एंड फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो दी गई हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें। ठीक है, आइए हमारे साथ पार्ट नंबर 3। इसी तरह है 3x² + 2x - 5 = 0। ये हमारे साथ पार्ट नंबर 3 है। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया है, इसमें हमने ये बताया था कि आप फॉर्मूला बार बार लिख लें, बार बार लिखिए, क्योंकि आपके जो फार्मूला है ये आपको याद हो जाए, क्योंकि ये रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस एक्सरसाइज में मुकम्मल ये फार्मूला इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, आप ये बार बार लिख लिए क्योंकि ये फार्मूला आपको याद हो जाए। ठीक है, आइए हम फिर लिखते हैं ये फार्मूला, जो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है -b/a। हमने कहा था कि हम ऐसा भी लिख सकता है कि अल्फा प्लस सम का मान है प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा -b/a और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का c/a। हमने ये भी कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूल हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी प्रोडक्ट की माने है जरब, यानी प्रोडक्ट, यानी अल्फा जरबे बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, आइए हमारे साथ पार्ट नंबर थ्री इसी तरह है सोल्यूशन। 3x² + 2x - 5 = 0। जो हमारे साथ जो क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है हमारे साथ 3, जो लीनियर टर्म का जो कोएफिशिएंट है हमारे साथ क्या है +2, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे साथ जो क्या है -5। हम क्या पॉइंट कर दें, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दो पॉइंट करते हैं दोनों। पहले हम सम ऑफ द रूट्स पॉइंट करें, यानी सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, यानी सम ऑफ द रूट्स, यह देखिए यह क्या है -b है, और यानी माइनस अपना लगा। ठीक है, यानी b का जो वैल्यू है हमारे साथ क्या है 2 है, यह 2 फुट करो डिवाइडेड बाय a, a क्या है हमारे साथ 3 है, यानी 3। ठीक है, यानी हमारे साथ जो सम ऑफ द रूट्स का जो आंसर है द रूट्स वो क्या है हमारे साथ -2/3। ये हमारे साथ सम ऑफ द रूट्स का आंसर है। फिर हम क्या पॉइंट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला यूज करना होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a। प्रोडक्ट
product of the roots is equal to C divided by A. Product of the root यह क्या है C, यह देखिए C की किसका बराबर है यानी C इज इक्वल टू माइनस फाइव, यह माइनस फाइव पुट किया और यह देखिए कि यहाँ A की किसका बराबर है थ्री का और यह हमारे साथ क्या है A है और यहाँ हम क्या पुट करेंगे थ्री पुट करेंगे यहाँ यानी A हमारे साथ क्या है थ्री ये यानी हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस फाइव डिवाइडेड बाय थ्री ये हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का आंसर है। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।